MySQL के अंदर जो हमारी पहली सेशन थी दैट वाज रिगार्डिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द MySQL कि आप MySQL को इंस्टॉल कैसे करोगे, किस तरह से आप स्टार्ट करोगे MySQL को। और उसके बाद हमने वहाँ पर बात करी थी जो MySQL के अंदर जो हमारे बेसिक कमांड होते हैं उन बेसिक कमांड को लेकर हमने बात करी थी। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। तो आज हमारा ये MySQL का जो नेक्स्ट सेशन है, इस सेशन में आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई द ज्वाइंस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ज्वाइंस की। अब देखो जो ज्वाइन होता है, ये हमारा ज्वाइन होता क्या है, आप MySQL के अंदर यहाँ पे क्या करते हो, आप सेलेक्ट स्टेटमेंट अप्लाई करते हो। हम जो सेलेक्ट स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं वो एक टेबल के ऊपर लगाते हैं। यदि मान लो मुझे दो टेबल के ऊपर लगाना है या तीन टेबल के ऊपर लगाना है या चार टेबल के ऊपर लगाना है तो व्हाट वी रिक्वायर्ड द ज्वाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है हमारी वो ये है कि जो हमारा ज्वाइन होता है, ये ज्वाइन एग्जैक्टली होता क्या है याद रखना। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट द डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल, यदि हमें एक से अधिक टेबल से डेटा लेना है, इफ़ वी वॉन्ट टू गेट द डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल, वी यू ज्वाइन, उस केस में हम लोग ज्वाइन लगाते हैं। तो ज्वाइन इज बेसिकली जस्ट टू यूज टू डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल टेबल। अब याद रखना when we apply the join we have to put the join condition। जब कभी भी आप join लगाते हो तो आपको कुछ ना कुछ join condition लगाने पड़ते हैं। हम यहाँ पे join condition लगाते हैं, ठीक। याद रखना जो हमारे join condition होते हैं, join condition ऑलवेज रिक्वायर्ड होता है जब कभी भी हम यहाँ पे joins यूज करेंगे। और यदि हमने ज्वाइन कंडीशन नहीं लगाया प्रॉपरली तो फिर जो हमें रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्रॉस ज्वाइन भी बोलते हैं। अब ये क्रॉस ज्वाइन या कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास टेबल वन में, टेबल वन के अंदर 5 रिकॉर्ड है और मान लो मेरे पास 4 रिकॉर्ड है, मान लो मेरे पास टेबल टू के अंदर यहाँ पे 5 रिकॉर्ड है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस ज्वाइन का मतलब क्या होता है, 5 × 4 टोटल आपके पास 20 रिजल्ट्स होंगे। अब देखो यहाँ पे जो हमारे ज्वाइंस होते हैं, जब कभी भी हमें यहाँ पे ज्वाइंस अप्लाई करना है तो हमारे पास जो यहाँ पे ज्वाइंस होते हैं, कौन कौन से ज्वाइन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, एक तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे इनर ज्वाइन, एक हम लगा सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इसी तरह से हम यहाँ पे लगा सकते हैं राइट आउटर ज्वाइन, इसी तरह से हम यहाँ पे लगा सकते हैं फुल आउटर ज्वाइन। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और यहीं पे हम लगा सकते हैं फुल आउटर ज्वाइन। और एक होता हमारे यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन और इसके अलावा एक होता हमारे यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन। तो यहाँ पे ये ज्वाइन के कैटेगरी हैं। जो मैं यहाँ पे ये ज्वाइन बता रहा हूँ, ये बेसिकली ये जो ज्वाइन है ये NCS स्टैंडर्ड ज्वाइन है, ये सभी डेटाबेसेस के अंदर चलती हैं। आप ओरेकल यूज़ करोगे वहाँ पे भी आप इन ज्वाइन को लिख सकते हो, आप SQL सर्वर यूज़ करोगे वहाँ पे भी इन ज्वाइन को लिख सकते हो, आप MySQL यूज़ करोगे वहाँ पे भी इन ज्वाइन को लिख सकते हो। तो ये हमारी NCS स्टैंडर्ड ज्वाइन है जिनको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ज्वाइन करेंगे कैसे और ज्वाइन लगाते कैसे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपने MySQL को स्टार्ट करना है। तो MySQL को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हाउ टू स्टार्ट द MySQL। सबसे पहले आप XAMPP को स्टार्ट करोगे, तो हम यहाँ पे आते हैं XAMPP के ऊपर और यहाँ पे हम बोलते हैं XAMPP कंट्रोल पैनल के अंदर, और इस कंट्रोल पैनल के अंदर मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देता हूँ और मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो Apache और MySQL मैंने दोनों यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और मैं यहाँ पे क्लिक करके उसके एडमिन में जा सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये PHP माय एडमिन ओपन कर देगा। यहाँ से आके हम देख सकते हैं कि MySQL के अंदर हमारे कौन कौन से डेटाबेसेस हैं और क्या हैं। तो ये PHP माय एडमिन जो है, जहाँ से आप MySQL को कंट्रोल कर सकते हो GUI के थ्रू। जरूरी नहीं है कि आप हर एक काम को करने के लिए कमांड यूज़ करो, तो यहाँ से भी आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो ये हमारा ओपन हो रहा है यहाँ पे, और ये देखो हमारे अलग अलग डेटाबेसेज हैं, जैसे हमारा कॉलेज डेटाबेस है, जैसे हमारा ERP डेटाबेस है, जैसे हमारा ये अलग अलग डेटाबेसेज है, जैसे टेस्ट हमारा ये डेटाबेसेस हैं। अभी हमारा ये कॉलेज डेटाबेस के अंदर यहाँ पे अभी कोई डेटा नहीं, हाँ डेटा कुछ है। ये हमारा EMP टेबल है, EMP टेबल के अंदर ये हमारे कॉलम्स हैं, हमने यहाँ पे एम्प्लॉई नंबर और ये सब यहाँ पे डाल रखा है, ठीक।
सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे कुछ, और ये हमारा टेस्ट डेटाबेस है। इस टेस्ट डेटाबेस के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है। ये हमारा टाटा है, ये भी ब्लैंक है। तो सबसे पहले हमारा ये, चलो हमारा PHP ओपन, MySQL हमारा ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, MySQL के अंदर आना है। अब MySQL को अंदर ओपन कैसे करोगे, तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे आ जाएं, जैम फोल्डर के आ जाएं, और जैम फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे MySQL में आ जाएं, और MySQL के अंदर यहाँ पे बीन होता है, बीन के अंदर आ जाएं। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि आप यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस कर लें और राइट क्लिक करें, आप यहाँ से कमांड विंडो ओपन कर लें। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है कि ये कमांड विंडो यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, और कमांड विंडो के अंदर आपको वहाँ पे पावर सेल करके मिलेगा। पावर सेल जो है वो भी अपने आप में कमांड प्रॉम्प्ट ही होता है। हाँ, यदि आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप एक काम करो, पावर सेल छोड़ दो। ये जो हमारा पाथ है ना, इस पाथ को यहाँ पे कॉपी कर लो। ये जो पाथ है हमारा, मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी कर लेता हूँ मैं इस बात को, और मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आता हूँ CMD के अंदर, और मैं CMD में CD और जो भी आपने कॉपी किया था आ गया। अब यहाँ पे हम पहुँच गए CD करके। आप CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, आपने अपना डायरेक्टरी को चेंज कर दिया, आप जैम के अंदर, MySQL के अंदर, यहाँ पे बीन के अंदर आ गए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कुछ टेबल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी। मैं चाहूँगा कि कुछ टेबल वगैरह हम बना लें जिससे फिर हम अपने ज्वाइन को चला पाएँ। तो सबसे पहले MySQL को स्टार्ट करता हूँ। MySQL -u, यूजर नेम हमारा क्या है, रूट है, -p -p हमारा कुछ भी पासवर्ड नहीं है, और जो हमारा होस्ट है वो लोकल होस्ट है। और मैं एंटर करता हूँ, और ये पासवर्ड मांग रहा है। अभी हमारा कुछ भी पासवर्ड नहीं, और ये हमारा यहाँ पे डेटाबेस आ चुका। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं डेटाबेस के अंदर आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूज टेस्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे यूज टेस्ट करता हूँ, अब मैं यहाँ पे टेस्ट डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा टेस्ट डेटाबेस है, इस टेस्ट डेटाबेस के अंदर हमें यहाँ पे करना क्या है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि भाई यहाँ पे हमारे पास कुछ टेबल हो जिससे कि हम ज्वाइन वगैरह इम्प्लीमेंट कर पाए। अब देखो, टेबल बनाने के लिए एक तो तरीका ये है कि भाई आप यहाँ पे क्रिएट टेबल कमांड चलाओ और फिर टेबल बनाओ। ऑलरेडी आपको आता है कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करना है। अब मेरे अंदर इतना पैसेंस नहीं है कि मैं 10-20 रिकॉर्ड डालूंगा बड़े तरीके से, तो मैं तो ABC XYZ डाल दूंगा, आप भी वही डालते होगे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा अपने पैसेंस का इलाज कर लेता हूँ, मुझे टेबल तो चाहिए। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जिन लोगों को ओरेकल पता होगी, मैंने उन लोगों को बताया था एक फ़ाइल, मैं ओरेकल में अक्सर आपको बताता हूँ कि भाई ये आप एक काम करो, इस फाइल को यूज कर लो। तो मैं यहाँ पे demo.bld.sql को यूज कर लेता हूँ। ये हमारा demo.bld.sql है, मैं इसको नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। इसके सारे कमांड तो हमारे पास नहीं चलेंगे, लेकिन इसके कुछ कमांड तो हमारे पास चले ही जाएंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ, demo.bld मैं बोल देता हूँ MySQL। बेसिकली मुझे टेबल चाहिए, तो या तो मैं कमांड लिख लूँ या मैं थोड़ा सा कलाकारी कर दूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया डिपार्टमेंट नंबर इज ऑफ टाइप नंबर, और नंबर की जगह मैं यहाँ पर इंट डाल देता हूँ, है ना। ये हमारा DNA में वैरकैट 2 की जगह वैरकैट कर देता हूँ, ये वैरकैट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने बना दिया और मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से मैं EMP टेबल में आता हूँ, यहाँ पर हमारा नंबर लिखा हुआ है, नंबर की जगह मैं इंट कर देता हूँ, और ये जो वैरकैट 2 वाले भाई साहब लोग हैं इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये जो नंबर है, नंबर की जगह मैं इसको भी इंट यहाँ पर कर देता हूँ, और ये यहाँ पर इस फील्ड को हटा दो। अब मैं यहाँ पर सैलरी डाल देता हूँ, सैलरी में मैं फिर यहाँ पर इंट डाल देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इंट कर देता हूँ, और डिपार्टमेंट नंबर को मैं यहाँ पे, ये यह हमारा इंट हो जाता है, और इसको मैं फॉरेन की बना देता हूँ। ऑलरेडी ऊपर में हमारा वो टेबल डिफाइन है। चलो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, EMP टेबल के अंदर इंसर्ट करता हूँ। तो EMP टेबल में मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे डेट देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से ये जो डेट वाला वैल्यूज़ है इसको हटा देता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू डाल दिया, लेकिन मुझे डेट देने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं ये वैल्यू को हटा देता हूँ, और ये मैंने वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। तो ये जो हमारे रिकॉर्ड हैं, ये सारे मैं यहाँ से, ये जो डेट वाला पोर्शन है, मैं काम करता हूँ इसको हटा देता हूँ, ये सारा रिकॉर्ड मैं यहाँ से, मैं तो मतलब मैं यहाँ पे इंसर्ट वाला जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को चला देता हूँ। थोड़ा सा इसको सही से लिख लो, एक ही लाइन में कर लो, फिर इतना गैप क्यों। तो ये आपने यहाँ पर डाल दिया, और मतलब बार बार कौन यहाँ पे ये काम करेगा। तो मैं यहाँ पे demo.bld के अंदर ये चीज़ मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, तो आपके लिए भी आसान होगा, आपके लिए भी आसान होगा भाई, एक एक लाइन में हमारा सब इंसर्ट आ गया।
तो जब कभी भी आपको इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कर लें, ज़्यादा सुखी रहेंगे। अदरवाइज आप एक एक करके खुद से रिकॉर्ड डालेंगे तो जानते हो भाई, रिकॉर्ड डालना अपने आप में बड़ा मेहनत वाला काम है भाई। जब कभी भी मैं तो रिकॉर्ड डालता हूँ तो ABCXYZ कर देता हूँ। अब हमारे अंदर इतना पैसेंस नहीं है कि मैं एक एक करके तरीके से रिकॉर्ड डालूँ। हाँ, जब ज़रूरत होती है तो डालते हैं, नॉर्मली यदि सेशंस वगैरह में संभव ही नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि इस तरह से उस डेटा डाल देते हैं। अब डेटा जब तक होगा नहीं तब तक आप ज्वाइन चलाओगे कैसे? तो मैं यहाँ पर इन सब को सही कर लेता हूँ। में एंटी के साथ साइज नहीं देना पड़ता? नहीं, इंटीजर का साइज हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं। ठीक, काफी रिकॉर्ड आ गया अब हमारे पास। और चलो, जब इतना डाल दिया तो ये भी बेचारा क्यों सोचेगा मुझे नहीं डालना। ईएमपी और डिपार्टमेंट की बीमारी मुझे इस तरीके से लगी है, और आज से नहीं, ये 20 साल की बीमारी है कि जब कभी भी डेटाबेस में काम करूं यदि ईएमपी और डिपार्टमेंट ना मिले ना तो दिमाग ही नहीं चलता, लगता है जैसे दिमाग ब्लॉक हो गया हो। क्योंकि आज तक जितने भी क्वेरीज हमने सॉल्व किए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ईएमपी और डिपार्टमेंट चलता रहता है। ये देखो, तो मैंने यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये सब राम कहानी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल मैं आपको भी दे दूँगा तो आप भी अपना काम कर लेना। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये बोल रहा है यू हैव एन एरर इन प्राइमरी, चेक द सिंटैक्स। ये जो प्राइमरी की कहानी है इसमें भाई साहब को दिक्कत है, तो आप एक काम करो, ये इस तरीके से नहीं लेता है। तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पे, इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक, और फॉरेन की भी मैं ऐसे नहीं ऐसे डालता हूँ। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर डालता हूँ। ये बेसिकली ये फाइल कहीं और की है, मैं इसको यहाँ पर चला रहा हूँ। अब ये हमारा टेबल बन गया, अब ये टेबल बन गया। इस टेबल के अंदर मैं ये रिकॉर्ड डाल देता हूँ। ये देखो, टेबल के अंदर आपने रिकॉर्ड डाल दिया। अब मैं यहाँ पे ये टेबल बना लेता हूँ, ये हमारा ईएमपी टेबल है। मैं इस टेबल को भी उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं एक साथ भी डाल सकता हूँ, एक साथ भी रन कर सकता हूँ। मैं जान जान के धीरे धीरे कर रहा हूँ, मान लो कोई प्रॉब्लम होगी तो इमीडिएट मैं उसे सॉल्व कर लूँगा। और ये जो रिकॉर्ड है मैं इन सारे रिकॉर्ड को वहाँ पर उठा के डाल देता हूँ। दैट्स गुड, हम अपने मुद्दे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि MySQL के अंदर जो हमारे ज्वाइंस होते हैं उन ज्वाइन को हम कैसे लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब मुझे अप्लाई करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है इनर ज्वाइन। ये जो हमारा इनर ज्वाइन होता है ना, ये इनर ज्वाइन आप तब अप्लाई करते हो जब टेबल के बीच में कोई भी कॉमन कॉलम हो, टेबल के बीच में कोई कॉमन कॉलम अवेलेबल हो तो हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं इनर ज्वाइन। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट का नाम है और लोकेशन है। अब यदि मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। ठीक, हमारे पास यहाँ पे ये डेटा अवेलेबल है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे दिखाना क्या है। देखो, ये डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे कॉमन है, ये डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे कॉमन है। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे कि ये जो डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट का नाम है, लोकेशन है, यहाँ पे नाम है, सैलरी है, तो मुझे नाम दिखाना है, सैलरी दिखानी है, डिपार्टमेंट नंबर दिखाना है। और इस डिपार्टमेंट नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम और लोकेशन है मुझे वो दिखाना है। तो आप कैसे दिखाओगे? हम यहाँ पर लगाएंगे ज्वाइन। तो हम यहाँ पर ज्वाइन लगाएंगे कैसे? हम बोलते हैं यहाँ पर सेलेक्ट ई डॉट इनम कॉमा ई डॉट सैल कॉमा ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा डी डॉट डी नेम कॉमा डी डॉट लॉक फ्रॉम EMPE कॉमा डिपार्टमेंट डी। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई आप EMPE टेबल का हमने एलियास नेम दे दिया ई, डिपार्टमेंट टेबल को एलियास नेम दे दिया डी। तो मैंने बोला कि भाई आप EMPE टेबल से यहाँ पे नेम ले लो, सैलरी ले लो, और यहाँ पे आप डिपार्टमेंट नंबर ले लो, और डिपार्टमेंट टेबल से हमें डी नेम और लोकेशन लेना है, ले लिया। और अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, अब मैं बोलता हूँ फ्रॉम EMPE कॉमा डिपार्टमेंट डी। अब यहाँ पे बीच में मैं लगाऊंगा, यहाँ पे कीवर्ड लगाऊंगा इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट डी।
इनर ज्वाइन लगाने का यही तरीका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन लगाना है। तो हम कंडीशन कैसे लगाएंगे, हम बोलते हैं ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, जहाँ पे एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर होना चाहिए। अब देखो ये जो हमारा डेटा आ रहा है ये दोनों टेबल से निकल के आ रहा है, तो ये जो हमारा ज्वाइन है ये कौन सा ज्वाइन है, हमारा इनर ज्वाइन है। ये जो हमारा ज्वाइन जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये हमारा कौन सा ज्वाइन है, इनर ज्वाइन है। तो इनर ज्वाइन आप जब भी लगाओगे तो आप इस तरीके से यूज करोगे, दो टेबल के बीच में यहाँ पे क्या कीवर्ड डाल दोगे, इनर ज्वाइन, और आप यहाँ पे ऑन यूज करके इस तरीके से आप अप्लाई करोगे। तो ये होता हमारा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन को हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ये देखो ये जो डिपार्टमेंट नंबर है दोनों टेबल में कॉमन है, तो कॉमन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ये एलियास नेम हटा देता हूँ, और एलियास नेम हटाने के बाद जहाँ पे तुमने ऑन लिखा था ना, ऑन के जगह लगा दो यूजिंग, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यूजिंग डिपार्टमेंट नंबर। अब यदि तुमने यहाँ पे बोल दिया यूजिंग डिपार्टमेंट नंबर, इसका मतलब ये मान के चलेगा कि ये डिपार्टमेंट नंबर दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे लगा दो यूजिंग डिपार्टमेंट। अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो सेम रिजल्ट है, लेकिन सिंटेक्स में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला सेलेक्ट ई डॉट ई नेम ई डॉट सेल ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर डी डॉट डी नेम डी डॉट लॉक फ्रॉम ई एम पी इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट डी। अब मैंने यहाँ पे कीवर्ड लगा दिया ऑन, या फिर मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन के साथ लगा सकता हूँ यूजिंग, दोनों में अंतर क्या है। देखो अभी मैं यूजिंग के अंदर ये डिपार्टमेंट नंबर डाल रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने ये एलियास नेम हटा दिया है, यहाँ से मैंने ये एलियास नेम हटा दिया है, बात समझ में आई। तो हम ऑन लगा सकते हैं और हम यहाँ पे यूजिंग लगा सकते हैं। अब यहीं पे एक चीज़ और देखो, जिस तरह से हमारा इनर ज्वाइन होता है, इनर ज्वाइन हम कब लगाते हैं, जब दो टेबल के बीच में कोई भी कॉमन कॉलम अवेलेबल हो। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे टेबल के बीच में कॉमन कॉलम है, जो डिपार्टमेंट नंबर है वो दोनों टेबल में कॉमन है। अब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन भी इनर ज्वाइन के तरह ही होता है, जो नेचुरल ज्वाइन है हमारा वो भी इनर ज्वाइन के तरह ही होता है। तो हम यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन कैसे लगाएंगे, तो सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा जैसे आपने यूजिंग लगाया था। यहाँ पे इनर ज्वाइन के जगह यहाँ पे आप कीवर्ड लगा दो नेचुरल ज्वाइन। मैंने यहाँ पे कीवर्ड लगा दिया नेचुरल ज्वाइन, और मैंने बोल दिया डिपार्टमेंट डी। और यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन में कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये देखो तब भी परफेक्टली काम कर रहा है। नेचुरल ज्वाइन के अंदर वी डोंट नीड टू पुट एनी कंडीशन, तभी इसका नाम नेचुरल ज्वाइन है। मतलब ये मान के चल रहा है कि डिपार्टमेंट नंबर दोनों में कॉमन है, तो लिखने की जरूरत क्या है। मतलब ये मान के चल रहा है भाई, ये जब कॉमन ही है तो लिखने की जरूरत क्या है, मान लो कि ऐसा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कीवर्ड लगाते हैं नेचुरल ज्वाइन। तो एक होता हमारा इनर ज्वाइन, एक होता हमारा नेचुरल ज्वाइन। इनर ज्वाइन या नेचुरल ज्वाइन दोनों एक ही तरीके से काम करता है, दोनों तभी काम करता है जब टेबल के बीच में कोई कॉमन कॉलम अवेलेबल हो। याद रखना ये भी हो सकता है कि मान लो कॉलम का नाम चेंज है, तो अब जैसे मान लो यहाँ पे कॉलम का नाम है DNO और यहाँ पे कॉलम का नाम है डिपार्टमेंट नंबर, तो फिर हम नेचुरल ज्वाइन नहीं लगा सकते, फिर हम नेचुरल ज्वाइन नहीं लगा सकते। नेचुरल ज्वाइन हम तभी लगा सकते हैं जब कॉलम का नाम सेम हो। एक चीज और, यदि यहाँ पे मान लो कॉलम का नाम है DNO और यहाँ पे है डिपार्टमेंट नंबर, तब तो तुम इनर ज्वाइन लगा सकते हो ये वाला, लेकिन ये वाला इनर ज्वाइन फिर नहीं लगा सकते तुम, ये वाला इनर ज्वाइन आप नहीं लगा सकते। तो मेरे कहने का मतलब, जो ये इनर ज्वाइन के साथ जो हम लोग यूजिंग कीवर्ड यूज करते हैं और जो हम लोग नेचुरल ज्वाइन लगाते हैं, ये दोनों हम तभी लगा सकते हैं जब कॉलम का नाम भी कॉमन हो, और यदि नाम कॉमन नहीं है तो तब तो फिर आप इनर ज्वाइन लगाएं, इसके साथ आप यहाँ पे ऑन लगाएं और फिर आप यहाँ पे काम करें। समझ में आई बात। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या बात करता हूँ, मैं काम करता हूँ कुछ चेंजेस कर रहा हूँ अपने डेटा को जनरेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ अपडेट EMP सेट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20 वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 40। कर दिया मैंने अपडेट, और मैं एक रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू EMP, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एम्प्लॉय नंबर कॉमा एम्प्लॉय नेम कॉमा सेल, वैल्यूज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एम्प्लॉय नंबर 101, एम्प्लॉय नेम इज संतोष, और मैं यहाँ पे सैलरी डाल देता हूँ लाइक 9000। ठीक, अब यहाँ पे फील्ड का नाम में प्रॉब्लम आ गई, मैं यहाँ पे फील्ड का नाम ई नेम देता हूँ, परफेक्टली फाइन। अब आप जरा गौर से देखो, अभी मैं यहाँ पे चलाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये रहा डेटा। अभी मैं चलाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये रहा डेटा। अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो ये रहा हमारा डेटा।
अब आप जरा गौर से देखो, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 40 जो है वो यहाँ पे एडिशनल है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पे 40 हो, ये देखो। और आप जरा गौर से देखो, यहाँ पे जो संतोष रिकॉर्ड है ये भी एडिशनल है, क्योंकि संतोष के पास कोई डिपार्टमेंट नंबर नहीं है। तो मतलब इस टेबल में, दोनों टेबल के बीच में बाकी तो कॉमन रिकॉर्ड हैं, लेकिन इस टेबल के अंदर ये वाला रिकॉर्ड एक्स्ट्रा है और इस टेबल के अंदर ये वाला रिकॉर्ड एक्स्ट्रा है। तो अब मुझे क्या करना है, जब मैं इक्यू ज्वाइन लगाता हूँ, सॉरी जब मैं इनर ज्वाइन लगाता हूँ, तो आपने जब यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाया था, ये देखो जब मैंने यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाया, तो इनर ज्वाइन के साथ यहाँ पे समस्या क्या है, ये डेटा ला के तो दे रहा है लेकिन ये मुझे 14 रो दे रहा है। देखो इसने मुझे संतोष को डिस्प्ले नहीं कर पाया, ना तो इसने संतोष को डिस्प्ले करा, ना यहाँ पे इसने डिपार्टमेंट नंबर 40 को डिस्प्ले करा, ये देखो। तो जब हम इनर ज्वाइन लगाते हैं, ये देखो 40 का कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो जब हम इनर ज्वाइन लगाते हैं ना, तो इनर ज्वाइन में जो दोनों में कॉमन होता है केवल वही रिकॉर्ड आता है। अब मुझे क्या करना है, कॉमन के अलावा जो एडिशनल रिकॉर्ड हैं वो भी देखने हैं। तो अब एडिशनल कैसे देखोगे, तो एडिशनल देखने के लिए कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे लगा देते हैं इनर ज्वाइन की जगह, हम यहाँ पे कीवर्ड लगा देते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। जब आपने लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाया, तो ये लेफ्ट वाले टेबल में जो भी एडिशनल रिकॉर्ड होंगे वो आ जाएंगे। ये देखो इसने संतोष भी डिस्प्ले कर दिया, पहले से संतोष नहीं आ रहा था ना, संतोष हमारा एडिशनल है ईएमपी टेबल में। ये देखो 15 रिकॉर्ड आ रहे हैं, पहले 14 आ रहे हैं, तो ये हमारा एडिशनल भी आ गया ना। अब यदि मान लो मैं यहाँ पे लेफ्ट के जगह मैं यहाँ पे राइट लगा दूँ, तो लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट साइड से जो एडिशनल रिकॉर्ड होंगे उनको दिखा देगा, यदि मैं यहाँ पे राइट लगा दूँ तो जो राइट साइड से एडिशनल रिकॉर्ड होंगी वो दिखा देगा। ये देखो, ये देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर आ गया ना, ये ऑपरेशन इन बॉस्टन। अब तुम मुझसे बोल सकते हो, सर यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 40 क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पे आपने लिखा है ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, मैं इसको कर देता हूँ डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ये देखो यहाँ पे हमारा 40 आ रहा है। करता हूँ यहाँ पे मैं यूज करता हूँ क्रॉस ज्वाइन, जैसे तुमने लगाया फुल आउटर ज्वाइन, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन का मतलब क्या है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के दिखा देगा, क्रॉस ज्वाइन डिपार्टमेंट। ये देखो कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 60 रिकॉर्ड आ रहे हैं ना, क्यों, चूंकि तुमने यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन लगा दिया था, यहाँ पे आपने क्रॉस ज्वाइन लगा दिया था। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे हमने क्रॉस ज्वाइन लगाया था ना, यदि मैं यहाँ पे इस तरीके से भी लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम ईएमपी ई कॉमर्स डिपार्टमेंट डी, तो ये बाई डिफॉल्ट ये भी क्रॉस ज्वाइन की तरह ही काम करेगा। ये देखो सेम रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, ये भी क्रॉस ज्वाइन की तरह ही काम करेगा। तो मतलब यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन लगाने के लिए, हाँ विपुल बताओ कोई सवाल था, यहाँ पे काम करता है, समझ में आई बात। तो ये था हमारा यहाँ पे ज्वाइन, ज्वाइन में हम कौन कौन सा ज्वाइन लगा सकते हैं, हम यहाँ पे इनर ज्वाइन लगा सकते हैं, हम यहाँ पे आउटर ज्वाइन लगा सकते हैं लेफ्ट आउटर राइट आउटर, हम यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन लगा सकते हैं, तो ये हम यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन लगा सकते हैं। तो ज्वाइन का मतलब यही है, जब मल्टीपल टेबल से डेटा लेना हो तो डेटा को उठाने के लिए हम लोग यहाँ पे ज्वाइन लगा दें, ठीक। अब देखो अभी जो देखो ज्वाइन का पर्पस क्या है, दो टेबल से डेटा को उठाना, या तीन टेबल से उठाना, या चार टेबल से उठाना। अब जैसे मान लो मेरा ये टेबल है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अब ये ईएमपी टेबल में जरा गौर से देखो, ये एम्प्लॉय का नाम है और ये एम्प्लॉय का नंबर है, ये इसका जॉब है और ये इसके मैनेजर का नंबर है। यदि मैं बोलूँ स्मिथ का मैनेजर कौन है, तो आप क्या बोलोगे, एमजीआर, स्मिथ का मैनेजर कौन है, 7902, यानी कि वो एम्प्लॉय जिसका एम्प्लॉय नंबर 7902 है, ही इज द मैनेजर ऑफ स्मिथ। तो 7902 किसका है, फोर्ड का, तो एम्प्लॉय स्मिथ का मैनेजर कौन है, फोर्ड। यदि मैं बोलूँ एलन, एलन का मैनेजर कौन है, 7698, और 7698 किसका है, इट बिलोंग्स टू ब्लैक। यदि मैं बोलूँ कि हु इज द मैनेजर ऑफ ब्लैक, तो ब्लैक का मैनेजर कौन है, 7839, 7839 बिलोंग्स टू द किंग। अब मेरा सवाल यह है कि भाई आप एक काम करो, एम्प्लॉय का नाम दिखा दो और उसके मैनेजर का नाम दिखा दो। समस्या गुरु यहाँ पे यह है कि तुम्हें मैनेजर का नाम यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन बेसिकली ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो एमजीआर, ये मैनेजर का नंबर है, एम्प्लॉय नंबर है, लेकिन मुझे तो नाम दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊँगा। तो फिर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ, मैं इनर ज्वाइन लगाता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ सेलेक्ट ई डॉट इनम कॉमा,
मैं यहाँ पर बोलता हूँ एफ डॉट इवन एज मैनेजर. अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ फ्रॉम ई एम पी ई कॉमन ई एम पी ई. अब मैं यहाँ बोलता हूँ ई एम पी एफ. मैंने ई एम पी टेबल के ऊपर ही दो एलियास ने लगा दिया. और मैं यहाँ पर बोलता हूँ ऑन ई डॉट एम जी आर इज इक्वल टू एम जी आर इज इक्वल टू एफ डॉट एम्प्लाई नंबर एफ डॉट एम्प्लाई नंबर. ये देखो स्मिथ का मैनेजर कौन है, फोर्ड. एलन का कौन है, ब्लैक. वार्ड का कौन है, ब्लैक. तो मुझे एम्प्लाई का नाम भी मिल रहा है, मैनेजर का नाम भी मिल रहा है. बाकी जगहों पे इसको हम बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन. एज सच MySQL के अंदर हमारा सेल्फ ज्वाइन नहीं टर्म मतलब हम यूज़ नहीं करते. तो यहाँ पे इनर ज्वाइन का यूज़ करके हम सेल्फ ज्वाइन की तरह अप्लाई कर सकते हैं. ये देखो सेलेक्ट ई डॉट ई नेम कॉमा एफ डॉट ई नेम एज मैनेजर फ्रॉम ई एम पी ई इनर ज्वाइन ई एम पी एफ ऑन ई डॉट एम जी आर इज इक्वल टू एफ डॉट एम्प्लाई नंबर. तो हमारा ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये हमें मैनेजर का नाम दिखा रहा है, एम्प्लाई का नाम और उसके मैनेजर का नाम दिखा रहा है. तो ये जो हमारे ज्वाइन है ये इंपॉर्टेंट है. जो हमारे इनर ज्वाइन है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, राइट आउटर ज्वाइन है, ये जो हमारे क्रॉस ज्वाइन है, ये जो हमारे नेचुरल ज्वाइन है. और इस तरीके से हम यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन लगा सकते हैं. तो जब कभी भी तुम्हें डेटाबेस को लेकर काम करना हो, मल्टीपल टेबल को लेकर काम करना हो, तो हमें क्या यूज़ करना होगा, ज्वाइन. और जब भी हम ज्वाइन यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है हमें करना क्या है. कॉमन कॉलम है, इनर ज्वाइन लगा दो. कॉमन के साथ साथ मुझे एडिशनल रिकॉर्ड देखना है, आउटर ज्वाइन लगा दो. इनर ज्वाइन के साथ हम यहाँ पे ऑन भी लगा सकते हैं, यूजिंग भी लगा सकते हैं. नेचुरल ज्वाइन में किसी कंडीशन की जरूरत नहीं होती है. आउटर ज्वाइन का मतलब जो हमारा एडिशनल होता है वो दिखाएगा. क्रॉस ज्वाइन का मतलब वो हमें कॉनकैटिनेट मतलब वो हमें क्रॉस प्रोडक्ट दिखा देगा. एक एक रिकॉर्ड, जैसे मान लो पहले वाले टेबल में 15 रिकॉर्ड है, दूसरे वाले टेबल में 4 रिकॉर्ड है, तो 15 मल्टीप्लाई 4 टोटल 60 रिकॉर्ड वो हमें दिखा देगा. तो यही है हमारा MySQL के अंदर ज्वाइन. अब जैसे तुम लोग का जो बैकग्राउंड है वो तुम ओरेकल बैकग्राउंड से यदि आते हो तो ओरेकल में तुमने पढ़ा होगा इक्यू ज्वाइन, नॉन इक्यू ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, आउटर ज्वाइन. तो उस तरीके से हम नॉर्मली हम लोग यहाँ पे बातें नहीं करते. अच्छा यदि मैं सेल्फ वहाँ पे वहाँ वाले ज्वाइन यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ तो वो काम करेगा. ये देखो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट ई डॉट ई नेम कॉमा ई डॉट ई नेम कॉमा ई डॉट सेल कॉमा ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा डी डॉट डी नेम कॉमा डी डॉट लॉक फ्रॉम एम पी ई कॉमा डिपार्टमेंट डी. अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर. ये कौन सा ज्वाइन है, ये वही ज्वाइन है ना जो ओरेकल में हम एज इक्यू ज्वाइन लगाते हैं. ये देखो यहाँ भी काम कर रहे हैं. तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हो. लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे जो ज्वाइन है वो इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, यही सारे ज्वाइंस हमारे पास. यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोलते कि हमारे पास इक्यू ज्वाइन है और नॉन इक्यू ज्वाइन है. ये इक्यू ज्वाइन, नॉन इक्यू ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ये ओरेकल की अपनी प्रॉपर्टी है. तो हम लोग उस ज्वाइन को अप्लाई करें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यदि हमसे कोई ये पूछता हो भाई यहाँ पे कौन कौन से ज्वाइन होते हैं तो बोलना सही नहीं है, टेक्निकली हम गलत बोल रहे होते हैं. तो यहाँ पे हमें इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, यही बातें करनी होती है. बात समझ में आई? तो ये था हमारा ज्वाइन. तो जो ज्वाइन है इनको करके देख लेना. और मैंने जो अभी आपका सेशन लिया है इसका मैं वीडियो डाल दूंगा. ऑलरेडी ये सारे नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं पहले से. तो मैंने जो अभी ये किया है तो मैं इसका वीडियो भी डाल दूंगा, तो आपके पास ये सारा कुछ पहुंच जाएगा. तो यहाँ से भी देख के तुम समझ सकते हो कि ज्वाइन हम किस तरीके से अप्लाई करें. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे सब क्वेरीज. सब क्वेरीज का मतलब क्वेरीज विद इन ए क्वेरीज. मुझे सेकंड हाइस्ट निकालना है, टॉप 5 निकालना है, टॉप 10 निकालना है. तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे. जिसको मैं छोटी बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए छोटी इसलिए चूंकि तुम ऑलरेडी ओरेकल बैकग्राउंड से आते हो, तुमने पहले से उन डेटाबेसेस को कर रखा है. जो नए लोग होंगे उनके लिए नेचुरली बहुत बड़ी बात होगी और नई चीज़ें होंगी वो. तो और मैं तो चाहूँगा भाई कि आप जो है ये मैं चाहूँगा कि आप जो है ये जो सब क्वेरीज हैं, ये जो ज्वाइंस हैं, इसको यदि और बेहतर तरीके से समझना चाहते हो MySQL में, तो आप एक काम कर लेना, मेरे यूट्यूब चैनल में जाना. वहाँ पर ओरेकल की वीडियोज हैं जिसमें सब क्वेरीज भी हैं, ज्वाइंस हैं. बेहतर ये होगा कि आप एक बार उसे पढ़ लें, आप उसे एक बार समझ लें, और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा तो आपको चीज़ें इमीडिएट समझ में आ जाएंगी सर. ठीक है, हाँ बिल्कुल कुछ बोल रहे थे.